हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 15 और 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपाल कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण तदीय पद पंकज पञ्जरान्तम् अध्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त। स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वविद्धि निषेधास्य एतयोरेव किंकर, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर वंशी विभू शितकरा, नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरुष्टा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवी, वेदीसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं ध्यानावस्थित तत् गति न मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा।
देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधारा श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 15। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महाराज परीक्षित धर्म रूपी बेल को कह रहे हैं, अनागस्विह भूतेषु य आगस्क्रिन् निरंकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम् अनागस्विह भूतेषु य आगस्क्विन् निरंकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम् अनागस्विह भूतेषु य आगस्क्रिन् निरंकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि संगदम्। शब्दार्थ अनागस विह, अनागस का मतलब होता है निरपराध, जो निरपराध है भूतेषु जीवों में, यह जो व्यक्ति आगकृतम यानी अपराध करता है, जो बहुत ही मासूम होते हैं बहुत निरपराध होते हैं, उनको जो उनके ऊपर जो अपराध करता है या अत्याचार करता है निरंकुश, वो उदंड है निरंकुश है। और आहर तास्मी में काट लूंगा भुजम साक्षात, उसके साक्षात उसके बाहों को काट लूंगा, जो तुम जैसे निरपराध जीव के ऊपर इतना अत्याचार करेंगे उसके मैं भुजाएं काट दूंगा भुजम साक्षात। और अमर्त्यस्ति, तो ये नहीं देखना है मुझे कि वो काटने वाला या उसको कष्ट देने वाला कितना ही महान, अमर्त्यस यानी चाहे वो अमर ही क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो, देवताओं को अमर बोला जाता है। वैसे तो संसार में कोई भी इटर्नल नहीं है, समय के साथ साथ देवलोक भी समाप्त हो जाता है, लेकिन क्योंकि देवताओं की आयु जो होती है मनुष्य की आयु से करोड़ गुना अधिक होती है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। अमर्त्यस्य अपि, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, स अंगदम, और भले ही उसने भले कितनी सारी कीमती बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त, भले ही देखने में वो कैसा भी महान दिखता हो, भले उसका पद कितना ऊंचा हो, लेकिन यदि वो तुम जैसे निरपराध जीव को जीव के ऊपर अत्याचार करेगा उसको कष्ट पहुंचाएगा, तो मैं आहर्तास्मि मैं उसकी भुजाएं काट दूंगा। अनुवाद, जो उदंड व्यक्ति निरअपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो।
श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्षों की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 सौ वर्षों तक के तुल्य है, यानी स्वर्ग के जो देवताओं के जो वर्ष होते हैं ना, उनके बराबर है। इसी प्रकार अन्य यानी स्वर्ग लोकों का एक दिन इस लोक के 6 महीने के तुल्य होता है और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्षों के तुल्य होती है। यानी स्वर्ग का एक दिन जब यहाँ पर 6 महीने गुजर जाते हैं ना, फिर वहां पर एक दिन गुजरता है। और यहाँ पर लोगों की आयु कितनी होती है? 100 साल होती है, और उसमें भी एक दिन 24 घंटे का होता है ना, लेकिन वहां पर एक दिन 6 महीनों के बराबर होता है। जब 6 महीने यहाँ पर गुजरते तो एक दिन होता है, और इस तरह के 1 करोड़ वर्ष की आयु होती है एक देवता की। तो इसी प्रकार अन्य स्वर्ग लोक निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्षों की तुल्य होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी लंबी होती है, बहुत बहुत बड़ी होती है हमारे उसके कंपेयर में, तो अतएव कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं, यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कोई भी अमर नहीं है। तो बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए उसको कहा जाता है अमर है। लेकिन वैसे तो जिस तरह से संसार के समस्त जीवों को एक बार समाप्त होना पड़ता है प्रलय के समय, तो ये स्वर्ग और ये सारे जितने भी लोक हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, महाराज परीक्षित ऐसे स्वर्गवासियों को भी ललकारते हैं कि यदि वे निरपराधियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह बड़े से बड़े अपराधी को दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करे का अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाएगा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी राजा का कर्तव्य बता रहे हैं कि राजा को सबसे पहले अपने कर्तव्यों के विषय में पता होना चाहिए और भगवान के आदेशों के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो उसे क्या करना चाहिए कि जो उसकी प्रजा है उसको भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन गुजारने में सहायता करनी चाहिए, और यदि उसकी प्रजा में कोई शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसे दंड देना चाहिए, उसे दंडित कर देना चाहिए, और इतना दंडित करना चाहिए ताकि जो दूसरी प्रजा है वो देखे तो उसे ये सबक मिले कि हमें ये अपराध नहीं करना है। तो परीक्षित महाराज बेल को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना सारा अत्याचार जिसने किया है, चाहे वो देवता जैसा कोई बहुत ही महान व्यक्ति ही क्यों न हो, बहुत सारे अलंकार और आभूषण पहन के आया हो, लेकिन मैं उसको काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि ये राजा का प्रथम कर्तव्य है कि जो उसके राज्य में जो निरपराधों के ऊपर अत्याचार करता है उसको अवश्य दंड देना चाहिए, चाहे वो कितना ही महान व्यक्ति क्यों न हो, वो अपराध कर रहा है तो वो दंडनीय है। आगे महाराज परीक्षित बहुत ही सुंदर बात बता रहे, वे कह रहे हैं, राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापत्युत्पथानिह। राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापत्युत्पथानिह। राज्यो ही परमो धर्म, यानी ही माना निश्चय ही,
राज्यों यानी राजा का निश्चय ही ये परम धर्म है, ये परम कर्तव्य है कि स्वधर्मस्थ यानी अपने नियत कर्म के प्रति आज्ञाकारी, अनुपालनम सदैव शरण देने वाला हो। उसका कर्तव्य है कि वो प्रजा का संरक्षण करने वाला हो, प्रजा का पालन करने वाला हो। उसका कर्तव्य परमो धर्म, एक राजा का एक परम कर्तव्य है कि जो भी उसकी प्रजा है उसको संरक्षण प्रदान करे, उसको सदैव उसको शरण में रखे। और शासतः अन्य, शासतः का मतलब जब वो राज्य कर रहा है तो सबको यथा शास्त्रम, जिस तरह से शास्त्र में जो भी आदेश दिए गए हैं, जो भी उन शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करे उसे उसको अवश्य दंडित करना चाहिए। ये राजा का परम कर्तव्य है। महाराजा परीक्षित अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानते हैं और वो बेल को यह आश्वासन दे रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्र में ये आदेश दिया गया है कि तुम जैसे निरअपराध पशुओं पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो मेरा कर्तव्य है कि जिसने ऐसा किया है मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। लेकिन आगे कहते हैं, शास्त्रो ज्ञान यथा शास्त्रम अनापत युत युत कथानिह। अनापत यानी कभी कभी आपत्कालीन होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि अनापदी यानी बिना खतरे के, यानी कि कोई आपत्कालीन नहीं है। नॉर्मल जब जीवनचर्या चल रही है, एकदम सही तरीके से जब चल रहा है, रूटीन वाइज सब कुछ हो रहा है, तो फिर उत्पथान यानी पथभ्रष्ट व्यक्ति यह एक प्रकार से, जो इस प्रकार के पथभ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों का आदेशों का पालन नहीं करते हैं, राजा का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों की को दंडित करें। जब ऐसा मतलब आपत्कालीन समय नहीं है, तो आपत्कालीन कुछ ऐसा समय होता है जिसमें कि शास्त्र में दिए हुए आदेश को अगर व्यक्ति तोड़ता है तो उसको थोड़ी सी छूट होती है। अनुवाद देखिए, शासक का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में यानी सामान्य जो दिन होते हैं उनमें जब आपत्कालीन नहीं रहता, शास्त्रों के आदेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दें। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे कि शास्त्रों में आपत धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है कि असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपत्काल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाईघर हो और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस स्थूल भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के पुरुषों के लिए शास्त्रों के नियमित आदेश हैं, और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18.48 उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्म यानी स्वधर्म को ना छोड़े, भले ही वे सर्वथा दोष मुक्त क्यों न हो, दोष युक्त क्यों न हो। ऐसे स्वधर्म का आपत्काल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश कर दें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसा जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुयायी द्वारा बदला ना जाए और
उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे, उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मोकं गुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित ने जब बैल को इतना दुखी देखा और गाय को भी रोते हुए देखा तो महाराज परीक्षित से सहन न हुआ और बैल से वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारी यह दुर्दशा की है। मैं राजा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मेरी प्रजा में जो भी साधारण और अपराध रहित निरअपराध जीवों को जो कष्ट देता है उसको मुझे दंडित करना है, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है उसको अवश्य दंडित करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो फिर आगे वो कहते हैं आपत्कालीन, यदि आपत्कालीन न हो, यानी कोई कोई ऐसी जगह ऐसा समय होता है शास्त्रों में बताया गया है कि अगर जीव के लिए मनुष्य के लिए जीना मुश्किल हो जाए, यानी कि जीने का और कोई सहारा ना रहे, जैसे सैलाब आ जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, जहाँ संसार में जो भी अन्न है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब समाप्त हो जाए, हर एक मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाए, तो फिर ऐसा है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि जिंदा रहने के लिए और कोई वस्तु नहीं है, तब हो सकता है कि मांस आहार करने का आदेश दिया जाता है शास्त्रों में, कि मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अगर है तभी वो कृष्ण भक्ति कर सकता है अपने जीवन को। यदि उसका जी वो मर ही जाएगा तो फिर तो उसका कल्याण नहीं होगा ना। तो जस्ट इंद्रित कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता, काम यानी इच्छा इतनी नहीं करनी है कि मेरी इंद्रियों को तृप्त करना है। जैसे आजकल जो लोग मांस आहार करते हैं वो सिर्फ अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने के लिए और कोई वस्तु नहीं है, वो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बेगुनाह पशुओं का वध करके उसको खा रहे हैं। तो कुदरत का नियम जो है, जो भगवान के रूल है शास्त्र के अनुसार, वो दंडित होंगे। वास्तव में जिस परिस्थिति की यहाँ पर बात की जा रही है ना, आपत्कालीन, ऐसी परिस्थितियाँ आज इस संसार में उत्पन्न होती नहीं है। साधारण प्राणी जो भगवान के पवित्र आदेशों का पालन करके अपना जीवन गुजारना चाहते, भगवान स्वयं कहते हैं योग क्षेम महामिहम, उनकी आवश्यकताओं को मैं स्वयं पूरी करता हूँ। हम जानते हैं इतिहास गवाह है कि राक्षसों के कुल में भी भक्तों का जन्म होता है, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे विभीषण जी, जब वो राक्षसों के साथ रहकर भी अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं, शास्त्रों के आदेशों का पालन कर सकते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो फिर हम आज कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है कि हम शास्त्रों के आदेशों का पालन करें या फिर मांसाहार छोड़ें। एक व्यक्ति कितना सिंसियर है उतनी उसके ऊपर कृपा होती है। हम खुद हृदय से यदि सिंसियर हैं कि हमें शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है, तो भगवान स्वयं ही हमारे लिए ऐसी सर्कमटेंसेस बना देते हैं कि हम वो कार्य कर सकते हैं। और अगर कभी कोई ऐसा समय आता है जो कि हमारे लिए मुश्किल घड़ी होती है, कठिनाई होती है, तो वो केवल हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना सरेंडर हैं। वास्तव में भक्तों, जितना हमारा सरेंडर लेवल होगा ना, उतना ही हम कृपा प्राप्त करेंगे, उतनी ज्यादा हमें, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, आप जिस जिस भाव को लेकर मेरे पास आओगे उसी भाव से मैं आपको संरक्षण प्रदान करूंगा। तो यदि हमें भगवान की कृपा पर भरोसा है तो हमें अवश्य संरक्षण प्राप्त होगा, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। हम यदि भक्ति के पथ पर चल रहे हैं तो उस समय हमारे कर्तव्यों को हमें पूरा करना है, तो
तो क्या भगवान अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा? एक भक्त की रक्षा करना क्या भगवान का कर्तव्य नहीं है? हमें सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि कुछ भी हो जाए कृष्ण अवश्य हमारी सहायता करेंगे, कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। तो फिर आपत्कालीन चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे हृदय में ये इच्छा है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी कि हमें शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि कभी ऐसा हो, आपत्कालीन समय आए तो फिर ना शास्त्रों के आदेश अलग होते हैं उस समय के लिए, लेकिन साधारणतया ये जो आजकल खुले आम कसाईघर खोले जाते हैं जहाँ पर पशुओं का वध किया जाता है और निरपराध पशुओं को मारकर उसका खाया जाता है, उसको ऐसी परिस्थिति में जो गवर्नमेंट होती है, जो राजा होते हैं, उसका कर्तव्य है कि ये सबकी परमिशन ना दे ताकि सारे जीव जो हैं वो चाहे वो पशु हो चाहे कुछ भी हो, पक्षी हो, उनको जीने का पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो राजा का कर्तव्य है कि उसका अपने स्वधर्म का पालन करें, जो ऐसे निरपराध जीवों के साथ अत्याचार करते हैं उनको दंड दे, और जब राजा सही तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो जितने भी उसकी प्रजा के जो जीव हैं वो अवश्य शास्त्रों के नियमों का आदेश पालन करेंगे। अब यहाँ तक राजा परीक्षित जो है वो बेल को बता रहा है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अवश्य उसको दंड दूंगा, आप मुझे बताओ कि वो कौन है। अब कल से जो धर्म रूपी बेल है वो उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।